नमस्कार, मैं धीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम मौजूद हैं हेली मंडी नगर पालिका ये बीच के मंदिर के पास, और यहां पर आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। मंदिरों में लोगों को आना था, लेकिन लगभग 3 घंटे पहले यहां बरसात हुई है, और उस बरसात की वजह से इतना ज़बरदस्त जल भरा हुआ है कि एक आम आदमी को यहाँ पर गुजरने में इतनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे इलाके में पूरा पानी भरा हुआ है, लोग बड़ी ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मैं एक हाइट पर खड़ा हूँ और यहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बिल्कुल मेरे पास में ही रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया था, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। और आजकल हमें इस जल भराव की एक आदत सी हो गई है। हमें ये एक सामान्य बात लगती है कि जब बरसात होगी तो बाज़ार में जल भराव होगा ही होगा। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि हमें एक आदत हो गई है एक प्रशासन के इस रवैये को देखने की। जब भी बरसात होती है इस तरह से बरसात होती है, लेकिन अगर प्रशासन ने अपना काम पूरी जिम्मेवारी और ईमानदारी से किया होता तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और अगर ये सब काम इस तरह की परेशानी आनी ही है तो आम आदमी के पास से करोड़ों रुपए सैलरी के रूप में एक छोटे छोटे एरिया में अधिकारियों को किस लिए दे दिए जाते हैं? अगर प्रशासन सीवर व्यवस्था को ठीक से नहीं कर पा रहा है तो गलियों की नालियों को बंद करने का अधिकार उसे किसने दिया? अगर कूड़ा घर से नियम पूर्वक नहीं उठाया जा सकता है, महीनों महीनों तक अगर कूड़े उठाने वाली गाड़ी नहीं आती है तो बाहर कूड़ा डालने पर रोक का कानून बनाने का अधिकार किसने दिया? अगर घर घर तक पानी नहीं पहुंचा सकते हैं तो साधारण आदमी के द्वारा खुद का ट्यूबवेल या आपस में पानी एक दूसरे से देने या बेचने के ढेर सारे कानून क्यों बनाए गए? अगर प्रशासन के सभी काम करने में असमर्थ है तो क्यों उन्हें आम आदमी के द्वारा करोड़ों की सैलरी दी जा रही है? अगर शासन इन सब में कार्य नहीं कर पा रहा है तो क्यों छोटे बड़े नेताओं को आम आदमी के द्वारा करोड़ों रुपए के रूप में भत्ता दिया जा रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी मोहित है। कहाँ के निवासी हो आप? यहीं का हूँ जी, टोडापुर रेली मंडी। अब बताइए जल भराव की स्थिति कैसी है, जल किस वजह से और ये किस तरह से रहती है? या जी हमेशा नहीं रहे है, और जब भी बारिश होवे ना जब भी तुम्हें पानी भर जाए यही हिसाब से जैसे भर रहे है, और 2-3 घंटा होगा जी बारिश हो ने और यो पानी इतना ही भर रहा है, कहीं पानी को लिकड़ने को कोई समाधान नहीं है। और यो कई बार कब लिकड़े कब ना लिकड़े ऐसा ही रहो। जन्माष्टमी है, आप लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है जी, हम मंदिर में बिना जा सका। मेरा नाम सुमित है और मेरा गांव का नाम जोटोली, मेरी हेली मंडी जो मेरे गांव के बहुत ही नज़दीक है, यह हमारा बाजार लगता है। मैं आज यहां आया हूं जन्माष्टमी पे भगवान जी के दर्शन करने, और यहां पर बारिश हुए 3 घंटे हो गए पिछले 3-4 घंटे, और यहां बारिश के पानी का कोई निकास नहीं हुआ है। हमेशा ऐसे ही होता है जब भी बारिश होती है। मैं चाहता हूँ कि इस पानी का निकास हो और लोगों की परेशानी है जो दूर हो।